प्रेम कि पूरे गांव को कह चुकी है, कान्हा जी तुम्हारे भगवान होंगे गांव वालों। सुन रहे हो गांव वालों, सबके सब, कान्हा जी तुम्हारे भगवान होंगे, मोरे तो सैया है सैया, वाह, और जिस दिन भी मिलेंगे ना, ब्याह कर लूंगी उनसे। अब इनके गांव से दूर एक शहर है माया नगरी, और माया नगरी में इन दिनों एक बहुत बड़े कृष्ण मंदिर का निर्माण हुआ है। उस मंदिर के बारे में एक बात बहुत फेमस हो चुकी है, वायरल हो चुकी है, कि वहां पर हर सैटरडे को कान्हा जी स्वयं आते हैं और हर भक्त को मिलके दर्शन देते हैं, उससे बातें करते हैं। ये बात जैसी राधा के कानों में पड़ी, उसने अपनी पोटली बांध ली और माँ को कह दिया ये, कृष्णा से जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया मोरे सैया, कान्हा को जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया मोरे सैया, कृष्णा को जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया मोरे सैया, कान्हा को जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया मोरे सैया। अब माँ कहती है, माँ कहती रे पगली रे मिलते ना वो ठगती रे, दुनिया उसके नाम पे करती है काले काम रे उस माया नगरी में, और धुरत है सारी नगरी रे बाबा पहन के असली रे, चोगा फिरते नकली दिल और काले मन की पोटली उस माया नगरी में, रख लेंगे मेरा पूरा ध्यान रे वो है मोरे सैया वाह, मोरे सैया, वारी हूँ मैं तन मन और जान रे वो है मोरे सैया मोरे सैया। माँ तू सुन ले पगली, मैं हो चुकी हूँ ठगली है दुनिया उसने मेरी, जिसके नाम सारे काम रे उस माया नगरी में, और धुरत है सारी नगरी तो मैं भी पहन के नकली रे, चोगा फिरूंगी असली रंग में रंग जाऊंगी शाम की उस माया नगरी में, और फिर कृष्णा को मिलके कह दूंगी ओ जी मोरे सैया ब्याह करूंगी तो से शाम रे तुम हो मोरे सैया मुझे पता है आपकी ये तो बहुत अच्छी लगी है अभी आपने जो परफॉर्म किया है वो, लेकिन साथ में ना जब आप गाते हो आप मुस्कुराते हो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी अरे ये गाना ही ऐसा है, क्या करूं, मतलब इसमें जो इनोसेंस है ना उस 12 साल की बच्ची की और उसके प्यार की, और ऐसा ऐसा प्यार भी नहीं, ऐसा प्यार जो मतलब कुछ नहीं समझता, वो बस ये समझता है कि उसको प्यार है और वो सब देख लेंगे, वो कर लेंगे ना, मेरा काम है सिर्फ प्यार करना। तो ये जो इतना मासूम और इतना जो सच्चा प्यार है ना उस बच्ची का या उस प्रेमी का, तो वो मतलब वो ऐसा ही है, मैं गाता हूँ ना झलक अनकंडीशनली उस पे, मतलब स्माइल आई जाती है उसकी बातों पर, मतलब जिस तरह से वो कहती है कि रख लेंगे मेरा पूरा ध्यान रे वो है मोरे सैया। तो ये जो तरीका है ना मतलब प्यार करने का, मतलब एक ये होता है ना कि विश्वास होता है ना कि बस विश्वास है मुझे कि वही कर लेंगे सब कुछ, राइट? हाँ कितनी ताकत छोड़ होती है लिया, ना सब। मतलब एक तरीका होता है स्ट्रगल करने का, है ना, कि आपने स्ट्रगल कर रहे हो कि ये चाहिए वो चाहिए, और एक तरीका होता है आपने सरेंडर कर दिया, आप अब आप जो करवाओ झेल, अब जो करवाओ मस्त है, हर चीज में खुश है हम, बस आप देख लो। तो पता ये है आपकी मतलब जो ऑडियंस जो है ना वो आपसे क्यों खुश होती है, क्योंकि आप इसी तरीके से ना स्टोरी के जरिए आपके गाने बताते हो, इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता है ये मतलब कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सोनाली। मुझे ना ऐसा मतलब जरूरी नहीं सारे सॉन्ग्स की स्टोरीज हो, लेकिन मोस्टली सॉन्ग्स इसलिए बन पाते हैं मुझसे क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, तो ऐसा सा रहता है।
चलो अभी अगर लॉकडाउन की स्टोरी की बात करेंगे तो आपने कहा कि पापा के हाथ की कमाल की रेसिपीज आपको मिल रही है खाने के लिए, अच्छे अच्छे डिशेस पापा बना रहे हैं, तो पापा के साथ आप बैठते हो गाना वाना सुनाते हो पापा को, वो जैमिंग सेशन होता है? पापा को ना गाने सुनने, मतलब मुझसे गाने सुनने से ज्यादा पुराने गाने सुनने बड़े पसंद है। तो मतलब पूरे घर में मुझे, मतलब ये समझ लो, ये चीज ना मैंने इनिशियली अभी ही डिस्कवर करी है, इतने सालों से मैं कभी डिस्कवर नहीं कर पाया, लेकिन मुझे अब घर में इतना टाइम में रह रहा हूँ ना, और पापा भी रह रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि खाली टाइम में पापा ना गाने सुनना पसंद करते हैं, वो भी पुराने गाने। ओहो, क्या मतलब बात मैं फिर है। भी चलो एक बार को तो ना पोएम्स वगैरह कुछ कर लूंगा, या गेम खेल लूंगा कोई, या मतलब ऐसी टाइम पास कर लूंगा, लेकिन पापा ऐसे डेडिकेटेड म्यूजिक लिसनर है ना, मतलब रात को आप 1-2 बजे भी उनके कमरे से बाहर निकलो तो आपको फोन पे कोई पुराना गाना चलता हुआ सुनाई देगा, क्योंकि उनको इतना पसंद है गाने सुनना। सो ये चीज अभी आपने लॉकडाउन के दरमियान डिस्कवर करी है? हाँ, क्योंकि अब पहली बार हमको ऐसा टाइम मिल रहा है कि पापा भी घर पे अच्छे से टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं और मैं भी, तो मतलब ये अभी अभी डिस्कवर मतलब हुआ ये चीज। लोग कहते हैं कि लॉकडाउन ऐसा है लॉकडाउन वैसा है, लेकिन कितनी अच्छी रिश्तों के बारे में बातें पता चलती है ना, कि हम अरे इतने सालों से जिनके साथ रहते हैं।